है आवाज गुड गुड इवनिंग गुड इवनिंग अंकित विष्ट अभिनव बंटवाल ऋतिक कटैत गार्गी जोशी आशुतोष मिश्रा मयंक अवस्थी दीक्षांत आ रही है आवाज कमेंट करो अंकित विश्व सर साउंड नहीं आ रहा है अभी भी नहीं आ रहा क्या अब तो आना चाहिए कोई कह रहा आ रहा है कोई कह रहा नहीं आ रहा है स्टार्ट करूं क्या चेक कर लेता हूँ आ रहा है ना मेरा आवाज चलो तो अच्छा ये सबको समझ में आया क्या कल का जो कल पढ़ाया था क्या क्या पढ़ाया था कल एक तो मोलिकुलर मास निकालना सिखाया था हमने ठीक है मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं एक परसेंटेज कंपोजिशन सिखाया था कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं ठीक है जैसे सपोज दैट एच टू एस ओ फोर था एच टू एस ओ फोर तो इसका जो वेट निकालना सबसे पहले नाइन्टी एट ग्राम वेट निकालना पता होगा आपको एच प्लस एच प्लस एस प्लस ओ इंटू फोर है ना इस तरीके से निकाला होगा तो 98 एट ग्राम आया इसका जोड़ के फिर अगर सपोज दैट मुझे इसमें सल्फर की परसेंटेज निकालनी तो 98 एट थर्टी टू बाई सल्फर थर्टी टू हाँ सल्फर डिवाइड बाई 98 एट इंटू 100, इस तरीके से परसेंटेज निकाली थी हमने ठीक है और दूसरी चीज हमने क्या निकाली थी इसमें इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट वेट निकालना सीखा था वेट कैसे निकालते हैं मोलर मास अपॉन एन फैक्टर एन फैक्टर क्या होते हैं वो अलग अलग के लिए अलग अलग होते हैं एसिड के लिए क्या बताया था बेस के लिए क्या बताया था सॉल्ट के लिए क्या बताया था ओके okay, मोलर मास जैसे सपोज दैट ये बेस का सॉल्ट का था सॉल्ट ओके okay? तो मोलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज ये किसके लिए सॉल्ट के लिए ऐसी एसिड uh, के लिए क्या होगा टोटल मास अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ऐसे बेस के लिए के था टोटल मास अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ठीक है ये समझ में आ गया होगा सबके सबके समझ में आया आगे बढ़ू कमेंट करो फास्ट कमेंट करो आगे ओके। सो okay. so, आज हम सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं तो एक रिवीजन था कोई रिवीजन कि हमने क्या सीखा कल आज वो नहीं आया पंचोला पंचोला कहाँ चली गई पंचोला किधर चली गई आज आ गया कौन आ गया पंचोल आ गया उसका सरदर्द हो रहा है ओके ओके सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कॉन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है सपोज दैट ये एटम में कोई भी ठीक है ये कोई न्यूक्लियस है न्यूक्लियस है और इसके बाद क्या इसके बाहर क्या रहती, रहती है सेल्स रहती हैं क्या रहती हैं सेल्स रहती हैं अंडरस्टूड तो कौन-कौन सी सेल्स रहती हैं वेट करो वेट करो के सेल एल सेल एम एन और ओ ठीक है अंडरस्टूड तो के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं के में यू नो वेरी वेल टू एट टू एट एटीन टू एट एटीन फिर थर्टी टू एंड फिफ्टी इसमें इतने आते हैं ना टू एन टू एन स्क्वायर से निकालना है इसको कैसे निकालना है टू एन स्क्वायर सो टू इंटू फोर स्क्वायर वन टू थ्री फोर 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 जो सिक्स ठीक है ऐसे फाइव का निकालेंगे टू इंटू फाइव स्क्वायर फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव टू जो फिफ्टी ठीक है तो टू एन स्क्वायर से निकालते हैं ये तो आपको पता होगा पहले से आई थिंक, ठीक है अच्छा अब आपको पता होना चाहिए के एल एम एन ओ ठीक है ये तो हमें अभी आज... पुराने जमाने में क्या था कि जब हमें एटॉमिक At, स्ट्रक्चर uh, के बारे में ज्यादा पता नहीं था तो हमें सिर्फ इतना पता था कि इसमें सेल्स होती हैं है नहीं इसमें ऑर्बिट होते हैं क्या होते हैं इसमें ऑर्बिट होते हैं या सेल्स बोलो के एल एम एन ओ ये सेल्स होते हैं या ये ऑर्बिट होते हैं इतना ही पता था लेकिन जब हमने इसको नजदीक से देखा बिल्कुल नजदीक से देखा तो पता लगा मुझे कि जो के सेल है जो मेरी के uh, सेल है वो उसमें क्या होता है जब मैंने उसको गौर से देखा तो उसके अंदर भी एक ब्लॉक्स हैं है ना जैसे रूम मैंने बताए थे आपको पहले लेक्चर में भी बताया था उसके अंदर क्या है रूम है तो रूम क्या है इसके अंदर कौन सा रूम होता है इसके अंदर होता है एस रूम ओके इसके अंदर क्या होता है एस बी होता है और पी भी होता है अंडरस्टूड इसके अंदर क्या होता है एस बी होता है पी भी होता है और डी भी होता है इसके अंदर क्या होता है एस बी होता है पी भी होता है डी भी होता है और एफ बी होता है और इसके अंदर क्या होता है एस बी होता है पी बी डी बी एफ और जी कट तो नहीं रहा दिख रहा है साफ प्रियांशु खंडूड़ी नमस्ते साफ दिख रहा है क्या कट तो नहीं रहा कट तो नहीं रहा ना दिख रहा है ओके okay, ओके okay. तो ध्यान रखना कि ये जो ये जो स्ट्रक्चर था ये मैंने बताया जो ये के सेल था ये के सेल था एल एम एन ओ पी जो भी है ये था आपका टू डी स्ट्रक्चर टू डी स्ट्रक्चर अंडरस्टूड और ये वाला आपका जो है ये थ्री डी स्ट्रक्चर ठीक है अच्छा अब एग्जेक्ट अगर थ्री डी स्ट्रक्चर आपको निकालना होगा तो आपको क्या कर, आपको पता है कि ये इसकी जो एन की वैल्यू होती है वो इसके लिए कितनी होती है वन टू थ्री फोर और फाइव तो अगर आपको एग्जैक्ट इसका थ्री डी स्ट्रक्चर निकालना होगा तो क्या करेंगे आप वन का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ तो ये क्या जाएगा वन एस अंडर टू का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे और इसके साथ भी तो क्या जाएगा टू एस टू पी थ्री का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे इसके साथ भी करेंगे इसके साथ भी करेंगे तो भी क्या आएगा थ्री एस थ्री पी थ्री डी अंडरस्टूड इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ करेंगे तो ये क्या आएगा फोर एस फोर पी फोर डी और फोर एफ ओके ऐसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा फाइव एस फाइव पी फाइव डी फाइव एफ और फाइव बताओ ये समझ में आ गया ये आपका क्या हो गया ये आपका थ्री डी स्ट्रक्चर हो गया डी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल और इसको क्या बोलते हैं ऑर्बिटल ऑर्बिटल बताओ ये समझ में आ गया बताओ ये बताओ ये सबके समझ में आ गया फिर मैं इससे आगे बढ़ूं. ओके तो ध्यान रखना जैसे ही मैंने आ, अगर सपोज दैट मैं यहां पे ऐसे लिखूं के सेल एल एम एन ओ जो भी लिखता हूँ एन एन तक ही लिखो चलो तो आपको पता है के के लिए के में के में कितने न, के में कितना ब्लॉक है ये किसका है ये के का है ये किसका है ये एल का है ये किसका है ये एम का है ये किसका है ये एन का, 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 का है और ये टोटल किसका है ये ओ का है तो के की अगर बात करूं तो के में कितने आ जाएंगे के में आ जाएगा सिर्फ वन एस अंडरस्टूड के में कितना आ जाएगा सिर्फ वन एस अच्छा इसमें कितना आ जाएगा एल में कितना आ जाएगा टू एस एंड टू पी M एम में कितना आ जाएगा थ्री एस थ्री पी एंड थ्री डी एंड ऐसे एन में कितना आ जाएगा फोर एस फोर पी फोर डी एंड फोर एफ ऐसे अगर ओ में मैं, ओ में कितना आ जाएगा 5S, 5P, फाइव डी और फाइव एफ और फाइव जी बताओ ये समझ में आ गया सबको जल्दी बताओ इतना समझ में आ गया सबके जल्दी बताओ अगर नोट डाउन कर लें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं जल्दी बताओ ये समझ में आ गया सबके कमेंट करो वाई 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 फिर मैं आगे बढ़ता हूँ ओके okay. एक बार कमेंट कर दो ओके okay. ठीक है ठीक है तनिष्क अरे यार वो पता नहीं क्या एकदम से शायद से नेट बंद हुआ होगा वो बंद हो गया एकदम से एकदम से नेट बंद हुआ फिर आ, क्लास स्टॉप हो गई सडनली गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलो उससे आगे स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करें स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। चलो ठीक है देखो कमेंट से हाथ हटाओ कमेंट से हाथ हटाओ अब इधर देखो कमेंट से हाथ हटा दो ठीक है कमेंट से हाथ हटा दो अब देखो उधर मैंने क्या बताया था मैंने ये चीजें बताई थी ना आपको न्यूक्लियस है न्यूक्लियस पे सेल्स होते हैं के एल एम एन एन ओ तो ये जो जितने भी सेल्स हैं ये सारे सेल्स आपके क्या हैं टू स्ट्रक्चर क्या है टू स्ट्रक्चर अंडरस्टूड एंड जब मैंने बात की जब हमने एटम को बहुत करीब से समझा जब इसके अंदर घुसे तो पता लगा कि के सेल में भी एस ब्लॉक है एल सेल एल सेल में भी क्या है एस और पी ब्लॉक है ऐसे ही एम में एस पी डी एन में एस पी डी एफ एंड ओ में एस पी डी एफ जी अंडरस्टूड तो जैसे मुझे लिखना होगा तो मैं क्या करूँगा वन का मल्टीप जैसे अगर के का मुझे थ्री डी स्ट्रक्चर लिखना होगा अगर मुझे के अगर सपोज दैट मैंने नॉर्मली के लिखा के एल एम एन और इसमें लिख दिया दो आठ अठारह बत्तीस अंडरस्टूड इस तरीके से मैंने लिख दिया टू एट एटीन थर्टी टू बट अगर मुझे इस के को अभी तो ये टू डी में है किसमें है टू डी में अगर मुझे इसी के को थ्री डी में लिखना होगा तो थ्री डी में कैसे लिखूंगा थ्री डी स्ट्रक्चर में कैसे लिखूंगा मैं वन का मल्टीप्लाई कर दूंगा जो उसके अंदर ब्लॉक्स होंगे तो वन मल्टीप्लाई बाई एस क्या गया वन ऐसे के के में क्या एस और पी तो इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा एन का मल्टीप्लाई कर दूंगा एन का मल्टीप्लाई कर दूंगा टू एस टू थ्री पी थ्री डी थ्री एस थ्री पी थ्री डी फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ फाइव एस फाइव पी फाइव डी फाइव एफ फाइव 3d तो अगर मुझे मैं लिख सकता हूं ठीक है अब जो ये पहली वाली जो सेल्स है इसकी इसकी क्या है लोवेस्ट एनर्जी है ठीक है जो सबसे पहले देखो ये इसको मान लो होम इसको मान लो होम अंडरस्टूड इसको इसको मान लो, और इसको मान लो लो होम होम और जो ये से तुम जितने ज्यादा घर से दूर होते रहोगे घर से कित, जितने ज्यादा दूर होते रहोगे उतने तुम पे क्या होगा एनर्जी ज्यादा होगी जैसे सपोज देट तुम घर पे रहते हो तो तुम इतनी सैतानी नहीं करते लेकिन जैसे ही तुम ट्यूशन के लिए भागते हो या जैसे ही तुम आ, कोचिंग के लिए भागते हो तो तुम घर से दूर जाते हो तो वहां पर तुम पे एनर्जी फुल रहती है को, कोई कोई स्कूटी से आ रहा है कोई इधर मचल रहा है कोई उधर मचल रहा है ठीक है तो ध्यान रखना जो जो घर के जितने ज्यादा नजदीक होगा तो उसमें एनर्जी उतनी ज्यादा कम होगी कुछ भी करोगे तो दो पड़ेंगे घर वाले मारेंगे तुम्हें ठीक है लेकिन यहां कौन देख रहा है यहां तो कोई नहीं देख रहा घर से बहुत दूर है यहां कोई नहीं देख रहा है तो यहां कोई नहीं देख रहा इट मीन इसकी जो एनर्जी है वो क्या है ज्यादा है इधर एनर्जी ज्यादा इधर एनर्जी, एनर्जी कम है तो जो फर्स्ट ये वाला जो है इसकी एनर्जी क्या होगी लोएस्ट एनर्जी और जो जितने ज्यादा दूर होगा उसकी क्या होगी उतनी कम एनर्जी ओ सॉरी कितनी हाईएस्ट एनर्जी इसकी लोएस्ट एनर्जी और इसकी एनर्जी बताओ इतनी बात समझ में आ गई सबकी इतनी बात सबके समझ में आ गई जल्दी बताओ प्लीज ओके अच्छा अब ध्यान देना अगर इस एनर्जी का इस लेवल मुझे चेक करना है तो मीन्स अगर मुझे अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू मीनस सबसे छोटी एनर्जी इंक्रीजिंग वे में रखना मतलब सबसे छोटी एनर्जी फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा अगर मुझे इस वे में एनर्जी को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा ध्यान रखना इसको मैं कट करूंगा ठीक है ना किस तरीके से सबसे पहले ध्यान रखना सबसे पहले किस में वन एस उसके बाद टू एस उसके बाद टू पी एंड थ्री एस देखो पॉइंट कहां कहां कट रहा है ठीक है पॉइंट देखो कहां कहां कट रहा है उसके 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 बाद 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 ये उसके बाद ये उसके बाद ये 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 और ठीक है अंडरस्टूड ये बात समझ में आ गई तुम्हारी चलो मैं इसको एक बार डिलीट करके ढंग से बनाता हूँ ठीक है इसको डिलीट करके एक बार शुरू से बनाता हूं मैं आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा नोट डाउन कर लो इसको नोट डाउन करना है जो नोट डाउन करना है नोट डाउन करना है तो नोट डाउन तो नो कर लो फटाफट फटाफट कर लो नोट डाउन हाँ एक बार फिर से समझा रहा हूं कोई दिक्कत नहीं मुझे पता है कि तुम्हारे समझ में नहीं आया इसको नोट डाउन कर लो डाउन कर दिया नोट डाउन कर दिया तो जल्दी करो ओके अमन आस्तोस प्रियांशु गार्गी गई आशीष राणा नोटेड अंकित वस गार्गी का गई तनिष्क ओके ओके गार्गी चलो मैं इसको मिटा रहा हूं ठीक है ट्रिक देखो क्या है ट्रिक देखो क्या है सबसे पहले लिखो उधर के एल एम एन अंडरस्टूड के एल एन लिख दो ठीक है उसके बाद वन लिखो वन बार इसमें इसमें काउंटिंग लिख दो वन टू थ्री फोर सबसे पहले के एल एन लिखा उसके बाद काउंटिंग लिखी वन टू थ्री फोर अंडरस्टूड के एल लिखा काउंटिंग लिखी वन टू थ्री फोर वन लिखना है वन बार टू लिखना है टू बार थ्री लिखना है थ्री बार और फोर लिखना है फोर टाइम्स अंडरस्टूड एक और भी बना दो और फाइव लिखना है फाइव टाइम्स अब ध्यान रखना जो लिखोगे तो एक एक लाइन में लिखना सारे को अंडरस्टूड एक लाइन में लिखना सबको अब देखो के में के में आपके पास क्या था वन एस दो में भी क्या था एस था और इसमें पी भी था इसमें एस भी था पी भी था और डी भी था इसमें एस भी था पी भी था डी भी था और एफ भी था इसमें एस भी था पी भी था डी भी था एफ भी था और एक पांच बार फाइव टाइम्स लिखना था ना इसको फाइव और इसमें एक जी भी था बताओ इतना किसके समझ में आ गया जल्दी बताओ किसके समझ में आ गया इतना ओके okay, अब ध्यान दो अब इसको कट करना है ठीक है कट करना है तो कट कैसे करना है इसको देखो एक कट ये हमारा ऐसे क्रॉस में मानना है 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 और ऐसे क्रॉस में मानना है बताओ किसके समझ में आ गया जल्दी बताओ किसके समझ में आ गया बताओ किसके समझ में आ गया इतना ओके अब देखो अब इसमें एक एरो मानना है ऐसे नीचे की तरफ सब पे एक एरो मानना है एक एरो मानना है सब में अंडरस्टूड मार दिया एरो उसके बाद एरो मारने के बाद क्या करना है जो इसका हेड, हेड है वो इसके टेल से मिला देना है जो इसका हेड है वो इसके टेल से मिला देना है। इसका हेड किधर जाएगा इसके टेल में इसका हेड किस में 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 जाएगा इसके टेल में इसका हेड किस जाएगा इसके टेल में और इसका हेड किस में जाएगा इसके में बताओ किसके समझ में आ गए किसके समझ में आ गए जल्दी बताओ ओके अब देखो अब देखो जब मैं इन घर के अंदर घुसा k l m n इन घर के अंदर घुसा तो मैंने यहां देखा यहां एक घर में मींस एक बॉक्स था और उस बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ठीक है उस बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन उसको मैंने नाम दिया s तो इट मींस s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टू इलेक्ट्रॉन अंडरस्टूड ऐसे इसमें s है और ये ये कितना हो गया फिर 1s अंडरस्टूड तो यहां कितने हैं एक s है और एक p है तो s में तो कितना होगा ये एस में तो टू ही आएंगे क्योंकि मैंने अभी बताया जो आपका एस ब्लॉक है उसमें सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे अंडरस्टूड तो तो इस वाले उसमें तो दो ही आएंगे दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे लेकिन P, P में कितने आएंगे तो आपको पता है कि K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं एट और इसमें कितने आते हैं एटीन और इसमें कितने आते हैं टू एट एटीन इसमें कितने आते हैं थर्टी टू अंडरस्टूड तो ध्यान देना कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन आते थे तो दो इलेक्ट्रॉन तो आ गए एक इलेक्ट्रॉन और एक दो इलेक्ट्रॉन ठीक है अब बात आई इसमें कितने आएंगे तो इसमें टू एस और टू पी है तो टू एस तो टू एस एक तो एस है किसका है टू का एस है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ गए अंडरस्टूड इसमें कितने आगे टू एस ये भी एस हो गया अब एक पी है अब एएक, अब एक इसमें कितना बचा पी तो पी में देखो दो इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गए अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन एट में से टू गए कितने बचे सिक्स इलेक्ट्रॉन तो सिक्स इलेक्ट्रॉन किस में होंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन इस पी में होंगे और एक बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मींस कितने बॉक्स बनेंगे थ्री बॉक्स बने थ्री बॉक्स तो अब इसमें कितने आएंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये कितना हो गया टू पी बताओ ये समझ में आ गया तो ये, ये कौन सा हो गया ये वाला कौन सा हो गया ये हो गया आपका के ये वाला कौन सा हो गया ये वाला हो गया एल ऐसे ही चलो एम एम में थ्री एस तो थ्री का एस है थ्री का एस है तो एक तो एस हो गया तो वन और टू इलेक्ट्रॉन अंडरस्टूड फिर पी हो गया तो पी में कितने आ गए आपके पास 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल ये कितना हो गया थ्री पी तो टू इलेक्ट्रॉन टू एन टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट बचे कितने टोटल कितने आ सकते हैं एटीन तो एटीन में से एट गए तो कितने बचे टेन तो इट मीनस अब कितने आएंगे टेन इलेक्ट्रॉन तो कितने आएंगे थ्री डी में टेन थ्री डी डी तो टेन कैसे आएंगे जब कितने बॉक्स बनाऊंगा? तो आगे तो ये क्या हो गया डी अंडरस्टूड ये बात समझ में आ गई तुम्हारे पर कि एस में कितने आ रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन पी में कितने आ रहे हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं में कितने आ रहे हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन अंडरस्टूड स्टोर डी में कितने आ रहे हैं टेन इलेक्ट्रॉन अब चलते हैं किसमें तो आपको यहां पर पता है कि एस में कितने आ रहे हैं पी में कितने आ रहे हैं डी में कितने अब चलते हैं एफ में तो एफ में कितने आएंगे तो आपको पता है इसमें कितने आ रहे हैं टू इलेक्ट्रॉन पी में कितने आ रहे हैं पी में कितने आ रहे हैं सिक्स सिक्स इलेक्ट्रॉन डी डी में कितने आ रहे हैं टेन इलेक्ट्रॉन तो सिक्स और टू एट एट और टेन एटीन इनका सम कितना हो गया एटीन कितना हो गया एटीन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थर्टी टू तो थर्टी टू में से एटीन घटा देंगे तो कितने बचेंगे? फोर्टीन कितने बचेंगे? फोर्टीन तो इट मींस जो एफ ब्लॉक होगा वो कितने का बनेगा फोर्टीन का तो कितने का बनेगा फोर्टीन तो फोर्टीन के लिए कितने बॉक्स चाहिए सेवन बॉक्स वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो ये कौन सा हो गया सॉरी ये कौन सा हो गया आपके पास एफ ब्लॉक कौन सा हो गया एफ ब्लॉक और एफ ब्लॉक में कितने आ रहे थे आपका फोर्टीन बताओ ये किसके समझ में आ गया बताओ किसके समझ में आ गया इतना तो मैं आगे बढूं फिर जल्दी बताओ कमेंट कर दो एक बार फटाफट फट. दुम धड़ाके से एक बार कमेंट कर दो फटाफट जिसके समझ में आ गया प्लीज कमेंट तो मैं आगे बढ़ू फिर जल्दी करो जल्दी जल्दी फास्ट 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 जल्दी कमेंट करो चलो अब देखो अब यहां पे एक चीज देखो यहां पे वन एस तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे सिर्फ एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे कितने आ रहे थे लिखा नहीं मैंने यहां पे टू एस तो यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे टू टू एस टू पी में कितने आ रहे टू थ्री एस टू थ्री बी सिक्स थ्री डी डी में कितने आ रहे थे टेन देखो डी में कितने आ रहे हैं 10 अंडरस्टूड फिर आ जाओ फोर एस टू पी में सिक्स फोर डी टेन एफ फोर्टीन एफ में कितने आ रहे थे अंडरस्टूड ऐसे 5S, 2, 5P, 6, 5D, 10, 5F, 14. और इसमें आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो ठीक है अंडरस्टूड कैलकुलेट करके निकाल सकते हो फाइव में तो फाइव में देखो के कितने आएंगे इसमें निकालो जरा बताओ फाइव में कितने आएंगे जी में जी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके कितने आएंगे देखो ओ में डायरेक्ट ओ में आते कितने हैं पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए ओ में आते कितने हैं तो इससे निकाल लोगे टू एन स्क्वायर से ठीक है ना तो ये कितना है वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो टू इंटू फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव फिफ्टीन कितने आ रहे? हैं? 15. तो 50, 6 और टू घटा तो तो दो घटा दो कितना आएगा यहाँ पे कितना बचा फोर फोर में थ्री गए 1. कितना रहा आंसर एटीन 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 ठीक है तो कितने आ जाएंगे इसमें फाइव जी एटीन बताओ ये किसके समझ में आ गया ये किसके समझ में आ गया प्लीज कमेंट फिर मैं आगे बढ़ू अच्छा इससे आगे बढ़ू फटाफट वाई, वाई 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 लिखते रहो एक बार जरा वाई, वाई 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 लिखो तो मुझे पता लगेगा कि सबके समझ में आ गया हाँ ठीक है गार्गी गुड आशुतोष मिश्रा गुड अभिनव बंटवाल गुड अमन गुड गुड प्रियांशु खंडूरी गुड तनिष गुड दीक्षांत गुड आगे बढ़ू ठीक है देवांश नोटियाल मेरे समझ में ओके चलो अब देखो आ, इसको मैं मिटा देता हूं ठीक है अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसको जो है यहाँ पर लिखो और ऐसे लिखो कि सबसे कम एनर्जी वाला पहले आए उसके बाद एनर्जी का जो एनर्जी का जो ऑर्डर है वो बढ़ते हुए चले जाए तो आप कैसे लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे वन एस टू क्या लिखेंगे वन एस टू उसके बाद क्या आएगा देखो ये एरो कहाँ आ रहा है टू एस टू पे तो टू एस टू उसके बाद एरो देखो कहां जा रहा है टू पी सिक्स तो टू पी सिक्स उसके बाद एरो कहां जा रहा है थ्री एस टू कहां जा रहा है थ्री एस टू उसके बाद देखो एरो जा रहा है थ्री पी सिक्स थ्री पी सिक्स अंडरस्टूड तो उसके बाद एरो जा रहा है फोर एस टू फोर एस टू उसके बाद एरो कहां जा रहा है देखो फोर एस टू के बाद एरो कहां जा रहा है थ्री डी पे तो so, कितना जा रहा है थ्री डी टेन गया ना फोर एस के बाद देखो एरो जा रहा है थ्री डी टेन थ्री डी टेन के बाद फोर पी सिक्स फोर पी सिक्स और उसके बाद कितना आ रहा है फाइव एस टू फाइव एस टू ओके फाइव एस टू के बाद कहाँ जा रहा है देखो एरो फोर डी टेन फोर डी टेन ओके फोर डी टेन के बाद कहाँ जा रहा है फाइव पी सिक्स फाइव पी सिक्स ओके और फाइव पी सिक्स के बाद कहाँ जा रहा है फोर एफ फोर्टीन फोर एफ फोर्टीन ओके और फोर एफ फोर्टीन के बाद कहाँ जा रहा है फाइव डी टेन फाइव डी टेन और फाइव डी टेन के बाद कहाँ जा रहा है फाइव एफ फोर्टीन तो इतना जरूरत नहीं पड़ेगी आपको वैसे पर फिर भी मैं बता रहा हूँ फाइव एफ फोर्टीन ओके देखो फोर एफ के बाद कहाँ गया फाइव फाइव डी टेन और फाइव डी टेन के बाद कहाँ गया फाइव एफ फोर्टीन और फाइव एफ फोर्टीन के बाद कहा जाएगा फाइव जी एटीन लास्ट में फाइव जी फाइव जी चल रहा है ना आजकल फिफ्थ जनरेशन तो ये ऑर्डर है अंडरस्टूड ये ऑर्डर है आपके पास यहां इस साइड आपके पास लोवेस्ट एनर्जी है लोवेस्ट एनर्जी और ये आपके पास क्या है हाईएस्ट एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी बताओ ये समझ में आ गया सबको ठीक है अच्छा इसका ऑर्डर याद रखने के लिए अगर मुझे इसका ऑर्डर याद रखना है क्योंकि बार बार मैं इसको तो बनाऊंगा नहीं इसको तो मैं बनाऊंगा नहीं बार बार ठीक है तो एक ऑर्डर याद रख लो आप ये वाला ऑर्डर याद रख लो वन टू ये दिख रहा है सबको छोटा तो नहीं लिख रहा मैं ज्यादा कमेंट करना जरा छोटा तो नहीं है ज्यादा कमेंट करना जरा छोटा तो नहीं ज्यादा दिख रहा है ना सबको ओके okay. चलो वन एस टू टू एस टू उसके बाद क्या लिखूंगा टू पी टू पी सिक्स उसके बाद क्या लिखूंगा थ्री एस टू थ्री एस टू ओके और थ्री एस टू थ्री पी है ना? देखो, 1S2, 2S2, 2P, 3S2, 3P, और उसके बाद फोर एस टू उसके बाद क्या लिखूंगा फोर एस टू के बाद थ्री डी टेन क्या थ्री डी टेन थ्री डी टेन ओके आई बस में और थ्री डी के बाद क्या लिखूंगा फोर पी सिक्स इतना याद रखना जितना ये लिख रहा हूं इसको अभी ट्रिक बता रहा हूं इसको याद करने की कहां तक आ गए हम थ्री डी टेन तक आ गए फिर फोर पी सिक्स तक आ गए फिर फाइव एस टू फाइव एस टू तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? देखो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल क्या स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल 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 पब्लिक स्कूल 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 पब्लिक स्कूल फिर प्राइवेट तो इसको पूरा लिख देता हूं प्राइवेट स्कूल प्राइवेट स्कूल 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 पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल ओके तो ये गया इसमें 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 और ये गया इसमें और ये गया इसमें बताओ किसके समझ में आ गया देखो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल 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 पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल तो याद करने का तरीका है अंडरस्टूड अंडरस्टूड ये याद करने का तरीका है आपको पता ही है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी टेन फोर पी फोर पी सिक्स और फाइव एस टू बताओ किसके समझ में आ गया बताओ किसके समझ में आ गया प्लीज कमेंट किसके समझ में आ गया प्लीज कमेंट आगे बढ़ूं फिर ओके okay, चलो अब इसको मैं रफ कर रहा हूं और कुछ मैं यहां पे क्वेश्चन दे रहा हूं आपको ठीक है ना कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको वो क्वेश्चन करने आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पे कैल्शियम कैल्शियम ट्वेंटी एंड मास फोर्टी इसका कॉन्फिगरेशन करो तो आपको कॉन्फिगरेशन कैसे करना है इसका देखो इसमें ट्वेंटी एम इन इसमें क्या है ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन है क्या इसमें ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन अब आपको इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और शादी बारात में जाते हो तो किसी होटल में जाओगे ठीक है तो समझो कि ये घर है एक क्या एक, एक रूम है और ये एक रूम है और ये एक रूम है ठीक है ये इसी के साथ है तो आप क्या इलेक्ट्रॉन आएंगे सबसे पहले वो

चटकनी लगाएंगे बाकी बोलेंगे आगे बढ़ो फिर वो आगे किस में जाएंगे एल में जाएंगे अंडरस्टूड और आपको पता है एल में क्या है एस और पी है तो इधर क्या दो इलेक्ट्रॉन तो एक बेड में सो जाएंगे अंडरस्टूड एक बेड दूसरा लगा हुआ उसमें छह बंदे सो सकते हैं अभी बताया ना पी का क्या होता है वन टू थ्री तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स इलेक्ट्रॉन तो एक बेड लगा हुआ उसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन सो गए इन्होंने चटकनी लगाई आगे बढ़ो तो so, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आया के में आया के कहाँ आया एस में आया फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ गया एल में गया एल के कहां गया पहले एस में गया फिर पी में गया ऐसे फिर इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा एम में जाएगा कहां जाएगा एस में जाएगा फिर उसके बाद पी में जाएगा फिर उसके बाद डी में जाएगा ऐसे फिर एन में क्या होगा एस होगा पी होगा डी होगा और एफ होगा इसमें जाएगा इसमें जाएगा इसमें जाएगा इसमें जाएगा तो यही चीज मैं कह रहा हूं इसमें ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन थे अब ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे सबसे पहले इसमें जाएंगे किसमें वन एस सो वन एस और कितने इलेक्ट्रॉन चले गए टू इलेक्ट्रॉन कितने चले गए टू इलेक्ट्रॉन अच्छा अभी भी कितने बचे हैं 18 इलेक्ट्रॉन बचे हैं अभी भी सो टू एस टू अंडर अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए दो और दो चार फोर इलेक्ट्रॉन गए टोटल कितने ट्वेंटी तो सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो फिर किस में जाएंगे टू पी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन फिर थ्री एस कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे टू इलेक्ट्रॉन फिर जाएंगे तो थ्री पी सिक्स थ्री पी में कितने इलेक्ट्रॉन सिक्स इलेक्ट्रॉन उसके बाद फोर एस में कितने टू इलेक्ट्रॉन तो टोटल कितने में टू एंड टू फोर सिक्स और फोर टेन टेन और टू ट्वेल्व ट्वेल्व और सिक्स एटीन एटीन और टू ट्वेंटी तो ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन फिनिश हो गए इतनी बात समझ आ गई ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन फिनिश हो गए अब देखो अब इनके नंबर ये वन है ये टू है और ये टू है तो इन टू को एक गोला मार दो ये थ्री है ये थ्री इनको एक गोला मार दो और ये फोर है तो इसको अलग रख दो मींस वन वाले एक तरफ दो दो वाले एक तरफ थ्री थ्री वाले एक तरफ और फोर वाले एक तरफ अब देखो वन में कितने इलेक्ट्रॉन है वन में कितने इलेक्ट्रॉन है टू तो टू 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 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जोड़ो इनको सिक्स और टू एट इलेक्ट्रॉन कितने एट सो टू एट अब इसमें देखो कितने हैं थ्री में सिक्स और टू एट तो कितना हो गया कितना हो गया एट और फिर लास्ट में कितने फोर फोर में कितने टू इलेक्ट्रॉन तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन होगी किसकी कैल्सियम की बताओ इतना किसके समझ में आ गया बताओ किसके समझ में आ गया प्लीज कमेंट प्लीज कमेंट किसके समझ में आ गया ठीक है तो ये समझ में आ गया होगा तुम्हारे ऐसी अपेक्षा करता हूं आपसे ये समझ में आ गया होगा आपके ठीक है अच्छा ऐसे ही जरा उसका करो करो जरा जरा क्लोरीन 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 का करो क्लोरीन का करो जरा क्लोरीन सेवनटीन तो कैसे करेंगे सेवनटीन मीन उसमें सेवनटीन इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें जाएंगे वन एस टू टू एस टू फिर ऑर्डर यही चलना है ऑर्डर यही चलना है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल ऑर्डर यही चलेगा ठीक है, फिर फिर मैंने यहाँ पे कितना टू भर दिया गिनो जरा कितने इलेक्ट्रॉन तो कि, हो गए टोटल टू एंड टू फोर एंड सिक्स एंड सॉरी टू एंड टू फोर फोर एंड सिक्स एन टू ट ट्वेल्व सिक्स ट्वेल्व सिक्स कितना हो गया एटीन हो गया तो एटीन हो गया ना तो यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे एटीन हो गया मेरे को चाहिए कितने थे सेवनटीन इलेक्ट्रॉन तो मैं क्या करूँगा ये भी नहीं आएगा और ये भी आएगा लेकिन ये सिक्स में आ रहा है एटीन तो इसको क्या करना पड़ेगा एक कम करना पड़ेगा तो अब आएगा ये फाइव थ्री पी फाइव तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन हो गया ठीक है अब देखो कैसे करो वन में कितने टू इलेक्ट्रॉन टू टू कितनेट तो एट थ्री में कितने हैं तो फाइव टू एंड फाइव सेवन टू एट सेवन तो यही होता है क्लोरिन का क्लोरिन का यही होता है ना टू एट सेवन अंडरस्टूड यही होता होगा क्लोरिन का टू एट सेवन ओके अच्छा अब एक जरा आर्गन का करो एटीन आर्गन एटीन आर्गन एटीन करो जरा फटाफट करो आर्गन एटीन आर्गन एटीन का कैसे करेंगे वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स अंडरस्टूड कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टू एंड टू फोर एंड सिक्स और 10 टेन टेन 12, टू और सिक्स एटीन अब कितने चाहिए टू इलेक्ट्रॉन ठीक है और थ्री पी के बाद क्या आएगा इधर फोर एस टू तो फोर एस टू ओके अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो वन कितना है टू टू और टू सिक्स और टू एट थ्री थ्री सिक्स एंड टू एट एंड तो यही होता है आर्गन का बताओ कमेंट फास्ट दोनों तरीके से करने हैं आपने, ये भी ये वाला तरीका भी और ये वाला तरीका भी दोनों तरीके से करने हैं, बताओ जल्दी बताओ डू फास्ट कोई बात नहीं गलत देखो गलत गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है ना अभी तुम सीख रहे हो और कोशिश ये करो कि अभी हमसे सारा गलत हो जाए अभी आपने क्या कोशिश करनी कि घर में बैठे बैठे हमसे जितनी गलतियां हैं घर में बैठे बैठे हो जाएं एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जाम वहां पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए घर में जितना हो सकता है आप प्रैक्टिस करो मैं तो कह रहा हूं कि एक, वन से लेके और थर्टी तक जितने भी एलिमेंट है सबके करोगे ये होमवर्क है तुम्हारे लिए वन से लेके थर्टी तक अंडरस्टूड जितने भी एलिमेंट है सबका क्या करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे दोनों ही ये वाला भी और टू उसके नीचे टू एट एटीन वाला वो वाला भी अंडरस्टूड दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे ठीक है अच्छा अब मैं इसमें तुम्हें एक चीज बता रहा हूं एक चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें इसमें ध्यान से समझना दो ऐसे एक्सेप्शन केस है इसमें दो इसमें एक्सेप्शन है दो इस चीज को फॉलो नहीं करते कौन कौन सा एक तो हो गया क्रोमियम ठीक है सिंबल सी आर एटोमिक नंबर ट्वेंटी फोर एक, और एक हो गया कॉपर क्या हो गया कॉपर सिंबल सी यू एटोमिक नंबर ट्वेंटी नाइन ठीक है अब देखो इसमें क्या होता है अब इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या चला मैं मैं लिखा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी थ्री डी नाइन देखो जरा टू गिनो जरा टू एन टू फोर सिक्स और फोर टेन टेन और ट्वेल्वीन एटीन टू ट्वेंटी इसे फोर आएगा ठीक है गिनो एक बार टू एन टू फोर फोर ऑट सिक्स टेन टेन एन टू ट्वेल्व ट्वेल्व एन सिक्स एटीन एटीन और टू ट्वेंटी फोर तो इस वाले को देखता हूं मैं इस वाले को क्या देखता हूँ अगर मैं बनाता हूँ तो ये डी है और डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैंने अभी बताया आपको डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे टेन इलेक्ट्रॉन आएंगे ठीक है डी में कितने आएंगे टेन इलेक्ट्रॉन तो इट मीन बॉक्स कितने बनेंगे फाइव वन टू थ्री और फोर और फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सो इसमें कितने फोर इलेक्ट्रॉन है वन टू थ्री फोर अंडरस्टूड और इससे पहले क्या है, 4S2. तो है. फोर एस टू तो एस ब्लॉक है इट मीन्स फोर एस है ना तो इसमें टू इलेक्ट्रॉन है अब इसमें होता क्या है देखो ये तो आ, ब, क्या हो गया कि इसमें ये स्टेबल नहीं है means, इसका एक बॉक्स पूरा ही खाली है तो इसको अनस्टेबिलिटी बोलते हैं और एक्सेप्शन भी है ये इसमें तो इसमें क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के चले जाता है यहां पे इसमें लास्ट वाले में अंडरस्टूड तो ये ऐसे ना लिख के इसको हम क्या लिखते हैं देखो अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां कूद के गया तो ये कितना हुआ अंडरस्टूड कितना हुआ 4S1. 4s1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां गया तो ये कितना हो 3d4 हो गया अब क्या कितना हो गया 3d5 तो ये इसका राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ठीक है ये इसका राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है अच्छा अब आते हैं कॉपर में तो कॉपर के लिए चलते हैं तो कॉपर के लिए भी क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 थ्री पी सिक्स फोर एस टू और थ्री डी नाइन तो गिनो जरा टू एंड टू फोर फोर और सिक्स टेन टेन एंड टू ट्वेल्व ट्वेल्व और सिक्स एटीन एटीन और टू ट्वेंटी और नाइन ट्वेंटी नाइन अब देखो इसमें भी क्या है एस ये एस है और ये डी है तो एस का ध्यान दो एस क्या है ऐसे दो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें अंडरस्टूड और इसमें क्या होंगे डी में फिर वही ये डी वाला तो था डी वाला था ना ये तो टेन इलेक्ट्रॉन मीन्स फाइव बॉक्स वन टू थ्री फोर और फाइव तो टू इधर आ गया इसमें नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अंडरस्टूड लेकिन ऐसा नहीं होता है इसमें भी क्या होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक इलेक्ट्रॉन कूद जाता है यहाँ और इसके साथ बना देता है बॉन्ड और इसमें आ गया आप कितना आ गया इसमें थ्री डी टेन अंडरस्टूड और इसमें कितना आ गया इसमें कितना गया? इसमें आ गया इसमें आ गया फोर एस वन अंडरस्टूड इट मीनस इसकी एक जो ये बात समझ में आ रही है तुम्हारी क्या कहना चाह रहा हूं मैं ठीक है बताओ इतनी बात समझ आ गई ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा एक रीजन तो इसलिए है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि देखो ये फोर है और ये थ्री है ध्यान देखो क्या कह रहा हूं ये फोर है और ये थ्री है इट मींस ये सबसे बाहर होगा आउटर मोस्ट अंडरस्टूड और ये इनर मोस्ट मीनिंग पेनल्टीमेट ये अंदर वाली सेल है ना ये नहीं समझ रहे तुम ये थ्री है और ये फोर है ऐसे इसमें भी है ये आउटर मोस्ट है और ये पेनल्टीमेट सेल है अंडरस्टूड तो आउटर मोस्ट सेल से ही तो इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन करेगा तो इस means ये इधर से कूद जाता है इधर और इसमें इसमें जो D वाला होता ये means bonding करता है है ये करता तो इस इसने इसको कर कर दिया दिया वाले को कर दिया, और कहा जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा जो भी अगर मुझे केमिकल रिएक्शन होगी तो मैं बाहर वाला हूं तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा ऐसे इस वाले केस में भी है अंडरस्टूड बताओ किसके समझ में आ गया बताओ किसके समझ में आ गया कमेंट किसके समझ में आ गया ओके okay, ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो अब इसमें मैं एक चीज बताता हूं तुम्हें क्या एक लास्ट चीज है और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म और आज का टॉपिक खत्म इतना ही पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे ठीक है इसमें क्या करते हैं हम अच्छा तीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख हीलियम नियोन और आर्गन और आर्गन लिखो जरा आपको पता है हीलियम का कितना होता है टू इसका कितना होता है एट नहीं एट नहीं होता टेन होता है नियॉन का कितना होता है नियॉन का कितना होता है टेन होता है से टेन और आरगन का कितना होता है अभी बताया था एटीन ठीक है आर्गन का कितना होता है एटीन तो जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन कैसे करेंगे इसका तो सिंपल है वन एस टू इसका कितना आएगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स नहीं 22 64 10 इसका कितना है का 1s2 2s2 2p6 2p6 एंड 3s2 एंड 3p6 तो 22 4 और 64 10 एंड 10 और 2 12 और 6 18 बताओ इतनी बात समझ में आ गई सबके तीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गए सबके अच्छा अब देखो जैसे मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है किसका मैग्नीज़ का मैग्नीज कोई भी मैं ले रहा हूँ कोई खास नहीं मैग्नीज ही लेना है तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक जो नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 25 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितना हो गया टू एंड टू फोर सिक्स ओ फोर टेन टेन इन टू ट्वेल्व ट्वेल्व सिक्स एटीन एटीन ओ टूटीन ओ टू कितना था ट्वेंटी ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव ना तो कितना आ गया फोर एस आ गया था थ्री डी फाइव थ्री डी फाइव बताओ इतनी बात समझ में आ गई आप ध्यान देना मैं ये ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिकेशन किस किसके समझ में आ गई ये बताओ पहले ये तो मैंने अभी बताया था ना इससे पहले मयंक अवस्थी क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा आगे बढ़ू ओके अब देखो ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान से देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है अगर ये कहीं पे आपको लिखी हुई ना मिलेगी तो इसकी जगह ऐसे भी लिख सकता है 1s2 1s2 की जगह क्या लिख देगा हीलियम इसकी जगह क्या लिख देगा हीलियम क्या लिख देगा ियम ऐसे ब्रैकेट मार देगा बाकी एज इट इज लिख देगा क्या टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू और थ्री डी फाइव ऐसे भी लिख सकते हैं अंडरस्टूड टू एस टू टू पी सिक्स और वन एस टू टू हाई इस पूरे की जगह पे क्या लिख देगा इस पूरे की जगह पे लिख देगा नियोन क्या लिख देगा नियोन और आगे लिख देगा क्या थ्री एस टू थ्री पी सिक्स और फोर एस टू और थ्री डी फाइव ऐसे भी लिख सकता है या पूरा ही लिख देगा क्या आ, यहां तक टू पी सिक्स तक तो आ गया ना इधर तक फिर थ्री एस टू और थ्री पी सिक्स ये पूरा गोल कर देगा और जगह क्या लिख देगा आर्गन ऐसे ब्रैकेट मारेगा और क्या लिख देगा फोर एस टू और थ्री डी फाइव तो ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है और ये भी सही है ठीक है और ये भी सही है कौन सी जो देखो टू फिर सिक्स और टू एट फिर थ्री अब देखो थ्री एक इधर है एक इधर एक इधर आ गया तो ऐसे ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि ये पीछे आ रहा था इसको जोड़ना कि इसको भी जोड़ना है ठीक है ना तो ये सब जुड़ जाएंगे तो कितना होगा फाइव और सिक्स और टू एट एट और फाइव थर्टीन तो थर्टीन और फोर एस टू तो टू तो कितना आ गया टू एट थर्टीन टू तो टू एट थर्टीन टू ये भी सही है सारी सही है बताओ किसका समझ में आ गया नहीं आयरन एक्सेप्शन नहीं है प्रियंशु आयरन एक्सेप्शन नहीं है लेकिन मतलब आयरन को भी इसी तरीके से करना है ठीक है फिर जोड़ के फिर देखना है कि कौन से सेल में क्या आ रहा हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते चलो आयरन का करो जरा आयरन का करो जरा तो आयरन का क्या है करो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू और थ्री डी टेन थ्री डी सिक्स हो जाएगा सर से देखना टू एंड टू फोर फोर और सिक्स और फोर टेन टेन एंड टू ट्वेल्व और सिक्स एटीन एटीन और टू ट्वेंटी वहाँ सिक्स ठीक है अब देखो आयरन का वैसे बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं पर इससे ही करना है आपको ठीक है ना तो वन वन में कितने टू इलेक्ट्रॉन है टू में कितने टू टू कितनेट तो एट थ्री में थ्री थ्री और थ्री तो सिक्स और टू एट और एट और सिक्स फोर्टीन तो कितना हो गया फोर्टीन और लास्ट में कितना है टू ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बताओ किसे समझ में आ गया कल मैं आपको रूल्स लिखाऊंगा ठीक है ना टू एट एट सेवन नहीं आएगा एम एन क्या कह रहा है दिव्यांश नोटअल को समझ में नहीं आ रहा बेटे क्या कह रहा है? ट्वेंटी फाइव है ना तो जोड़ो ना इनको 8 10 और 13 10, तो तो और और ठीक है क्या दिक्कत है, दिक्कत है बताओ चलो कल मैं आपको रूल लिखाऊंगा किस किस के रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कॉन्फिगेशन प्रिंसिपल पॉली एक्सक्लूजन और थ्री रूल्स लिखाऊंगा आपको ठीक है ओके तब तक के लिए खुदा हाफिस बाय बाय घर में पढ़ो रिवाइज करो पूरा वन से लेके थर्टी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और करना है ठीक है ना? करना है तो करना है ठीक है ओके बाय बाय